हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार पैक्स। एंड कैसे आप सब? तो गाइस, आपने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखी होगी आफ्टर मॉडिफिकेशंस के बारे में। यूट्यूब में बतेरी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो अपने आपको दिखा रखा होगा कि कार को कैसे उन्होंने बेस से टॉप मॉडल में बनवाया। क्या यूट्यूब में आपको ऐसी वीडियो मिली है जिसमें लोगों ने अपना आफ्टर मार्केट एक्सपीरियंस शेयर किया हो? तो गाइस, आज मैं आपको अपना आफ्टर मार्केट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने क्या क्या एक्सेसरीज आफ्टर मार्केट लगवाई थी वो मैंने उस ऑलरेडी वीडियो कवर कर ली है उस बारे में। आज मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज के बारे में। तो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैंने इस कार में रैपिंग करवाई हुई है। इसका रूफ रैप है और इसमें जो रैपिंग पेपर यूज़ किया हुआ है वो प्रॉपर रैपिंग पेपर है, इसमें विनाइल का यूज़ नहीं किया हुआ। ब्रांड मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे इस रैपिंग पेपर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। इसको रैप करवाए हुए अराउंड 1 मंथ के आसपास हो रहा है, बट आप ये देख सकते हो, सी ये रैपिंग पेपर कई जगह से खुल रहा है। जैसे मैं आपको दिखाऊं इस पोर्शन से, यहाँ से देखिए आप, इनफैक्ट कई जगह और भी हैं जहाँ से ये रैपिंग पेपर खुल रहा है। आप इस पोर्शन से देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टेप यूज़ करी है, यहाँ पे रैप निकल गया था तो मैंने यहाँ पे टेप लगाया है। तो ये चीज़ें यार आप लोग करवा लेते हैं, हम लोग काम करवाते हैं, आफ्टर मार्केट करवा रहे हैं, इतनी सारी वीडियोज़ बना रहे हैं ये लोग, बट कोई इसके बाद का एक्सपीरियंस शो नहीं करता कि कस्टमर को क्या फेस करना पड़ रहा है। हमने एक बार काम कराया, उसके बाद हमें क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है वो कोई शेयर नहीं करता। और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ से करवाई हुई है। कार ओके, मैंने इस कार में फ्लोरिंग करवाई थी। फ्लोरिंग कराते समय मुझे बोला था डाई फ्लोरिंग है। यार जब डाई फ्लोरिंग है, ये डाई वाली फ्लोरिंग है, तो आप ये देखिए इसमें स्पेस होना चाहिए। ये देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, इसके लिए इस पेट्रोल उसके लिए कोई स्पेस ही नहीं था यहाँ पे, और ये कट करके टेम्प्रेरी जुगाड़ किया हुआ है। तो यार आप ये किस हिसाब से बोल सकते हो कि ये एक डाई वाली फ्लोरिंग है? अगर डाई वाली फ्लोरिंग होती तो इसके लिए प्रॉपर हर जगह के लिए एक प्रॉपर बना होता, बट यहाँ पर आप वो देखो, वो मिसिंग है वो चीज़। और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इस कार में मैंने रूफ रेल्स भी लगवाई थी और आप देख सकते हो रूफ रेल्स की हालत। टेपिंग खुल रही है, ऊपर से क्रैक आ गया है रूफ रेल्स में। तो यार ये चीज़ देखो आप, कोई भी बंदा काम करवाएगा और उसको इस तरह का सा आउटपुट मिलेगा बाद में, बिकॉज़ जब नया आप कुछ भी काम कराते हो उस समय आपको सब चीज़ें परफेक्ट दिखती हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो रैपिंग पेपर निकल रहा है साइड से। जब आप काम करवाते हो उस समय तो आपको चीज़ें परफेक्ट दिखाई देती हैं कि बिल्कुल सही है। यार ऑब्वियसली उस समय नहीं लगी हैं तो परफेक्ट ही दिखेंगी, बट बाद में आप वो एक्सपीरियंस भी तो लो कस्टमर का कि कस्टमर को क्या फेस करना पड़ रहा है। और विद इन लाइक इस कार को 5-6 महीने हुए हैं यार, और विद इन रैपिंग को तो ऑलमोस्ट 1 मंथ ही हो रहा है, और 1 मंथ के अंदर ही रैपिंग का ही हाल है। जैसे आप देख रहे हो रूफ रेल्स की टेपिंग निकल रही है। ये यूज़ हुआ था, ये जो आप देख रहे हो ये क्रोम नहीं है, दिस इज़ क्रोम टेप। तो इसमें इतनी फिनिशिंग नहीं है, अगर आप ये देखोगे, अगर ये प्रॉपर क्रोम होता तो ये फिनिशिंग मिल जाती, बट यहाँ पे वो पूरी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आई हुई। तो चलो ये ठीक है यार, ये कोई बिकॉज़ ये सस्ता काम है तो मैं इसके लिए नहीं बोलूँगा कि ये एक इशू है। ये बिकॉज़ मुझे पता था कि ये इस तरह की प्रॉपर फिनिशिंग नहीं मिलेगी इस काम में, तो मैं इसके लिए पॉइंट आउट नहीं करूँगा इस चीज़ को लेकर। इसके अलावा यार मैंने लास्ट वीडियो में भी एक चीज़ आपसे शेयर की थी कि आपको अगर आप फ्लोरिंग करवा रहे हो अपनी कार में, और अगर आपने तो ये 7D मैट आप मत लीजिए, और अगर आप 7D मैट ले रहे हो तो आप फ्लोरिंग मत करिए, बिकॉज इसका कोई यूज़ नहीं है। बिकॉज 7D मैट की प्रॉपर फिटिंग आप देखेंगे चारों तरफ से ये कवर रहता है, तो 7D मैट लगाने के बाद आपको फ्लोरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप फ्लोरिंग करवा रहे हो तो आपको 7D मैट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ये 7D मैट ना ही ले तो बढ़िया है। अब मैं बात करना चाहूँगा ये कवर जो है, ये कवर भी मैंने करोल मार्क आफ्टर मार्केट से लगवाए हुए हैं, और ये कवर का मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखो कवर की फिटिंग, देखो कवर यहाँ तक फिटिंग है, ये पार्ट फैब्रिक है, आप देखो ढंग से देखिए, ये पार्ट फैब्रिक है। अगर यार प्रॉपर कवर बना है तो ये चीज़ भी कवर ही होनी चाहिए ना उसमें, ये छूट गया है ये इस पार्ट। उसके अलावा यहाँ पे पार्ट छोड़ दिया उन्होंने, कहा कि ये जो है ये प्रॉपर उसमें नहीं आता, लाइक प्रॉपर इसको कवर नहीं करता, कोई भी कवर आप लोगे तो वो ये चीज़ आपकी कवर नहीं करेगी, ये मुझे बोला गया।
और आई डोंट थिंक सो ये होना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ बन रही है प्रॉपर उसके हिसाब से तो उसको कवर करना चाहिए वो एरिया। कुछ यही, मैंने ज़्यादा काम इसमें वैसे कराया नहीं है, कुछ यही चीज़ें हैं जो मैंने करवाई हैं और इसी में मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। तो यार ये सीरियस एक इशू है यार, आप लोग वीडियोस बनाते हो, आप लोग सब कुछ करते हो, बट आप लोगों को बाद में भी दिखाना चाहिए कस्टमर का एक्सपीरियंस कि क्या है कस्टमर का एक्सपीरियंस आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ के लिए। एंड आई विल ट्राई कि मैं और भी कार्स कवर करूं और लोगों का एक्सपीरियंस कवर करूं जिन लोगों ने आफ्टर मार्केट काम कराया, ताकि यार एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि यार आफ्टर मार्केट काम कराने का फ़ायदा है या नुकसान है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट योर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। मैं इसी तरह से ट्राई करूँगा आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने की। तो थैंक यू सो मच गाइज़।